बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फूड आइडिया चैनल पे आप सबको खुश आमदेद। आज मैं बना रही हूँ फिरनी। तकरीबन 1.5 किलो दूध होगा मेरे पास। इसमें मैं ये 4 चम्मच जो है ये चावल का आटा डालूंगी। इसको मैं अलग से दूध डाल के तो मिक्स कर लूंगी, ताकि एकदम से अगर मैं इसको पैन में डालती हूँ इस आटे को, तो वो फिर गुठलियाँ बन जाती हैं। तो गुठलियाँ नहीं हमने बनने देनी, इसलिए मैं इसको अलग दूध के अंदर जो है ना मिक्स कर लूंगी पहले। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब दूध बॉयल होने पे मैं उसके अंदर ये डाल दूंगी। यहाँ मैं दूध में इलायची डाल रही हूँ, इसके साथ जाफरान भी भिगो के रखा था वो थोड़ा सा, ताकि दूध का कलर चेंज हो जाए, अच्छा लगे देखने में, अच्छा लगे। एक कप मैंने इसमें चीनी का डाला है, आप अपने हिसाब से डालें, कोई टेस्ट चीनी खाता है कोई कम खाता है। मोन खीर या चावल पीस के जो फिरनी बनाई जाती है उसके अंदर चीनी बाद में डाली जाती है जब चावल गल जाते हैं, तो उस वक्त। लेकिन इसमें मैंने पहले इसलिए डाल दी है कि ये आटा है तो ये जल्दी बन जाएगा, तो इसको गलाने का मसला नहीं है कि चावल गलेगा नहीं, इसलिए मैंने चीनी पहले डाल दी है, वरना चीनी हमेशा बाद में डालते हैं जब चावल गल जाते हैं उसके बाद। अब मैं इसके अंदर जो चावल मैंने मिक्स किए थे ये डाल दूंगी, चावलों का आटा, तो इसको साथ साथ मैं हिलाती जाऊंगी ताकि ये गुठलियां ना बने। इसको गाढ़ा होने तक आपने पकाना है, साथ साथ आप इसके अंदर चम्मच चलाते जाएं। एक तो ये नीचे लगे ना, दूसरा ये है कि आपको पता चलता रहेगा कि गुठलियां तो नहीं बन रही, बस इन दो चीजों का ख्याल रखना है। तो इसको गाढ़ा होने तक आपने बनाना है। ये अब तैयार है, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ क्योंकि ठंडा होने पे ये खुद बहुत और गाढ़ी हो जाती है। बस अब मैं इसको चूल्हे से उतार लूंगी और उसके बाद ठंडा होने पे आपको दिखाऊंगी। ये जी फिरनी हमारी तैयार है, मुझे दे इजाज़त अगली वीडियो तक। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।